ये थे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, रेशेदार आवाज में गजब की चमक लिए हुए करीम खान साहब ने जैसे ही सुर लगाया और महफिल उनकी हो गई। खान साहब का जन्म 11 नवंबर 1872 में कुरुक्षेत्र के पास किराना गांव में हुआ था। इनके परिवार में गायक, बीनकार, सारंगी वादक सभी हुए। विरासत और सत्संग में मिले संगीत ने कंठ माधुर्य का जादू उन पर डाला। परिणाम स्वरूप खान साहब कोकिल के कूक सी मधुर आवाज के धनी हो गए। वे जब गाते तब उनके उच्चारण की शुद्धता, लयकारी, स्वर विन्यास और बोल बनाव की शैली श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती। इस ठुमरी के बाद ठुमरी की एक और छटा देखते हैं। नायिका का अभिमान और नाराजी अपनी चरम सीमा लांग चुका है। प्रियतम के देर से आने का कारण जरूर सौतन के घर की चौखट होगी। बस इससे अच्छी कल्पना एक ठुमरी के लिए और क्या हो सकती है कि नायिका कहे, जाओ बलम ना ही बोलो। सुना रही थी सिद्धेश्वरी देवी। खुली हुई आवाज में ठुमरी के बोल, मींड, गमक, पुकार आदि से सिद्धेश्वरी देवी ने मानो नक्काशीदार एक इमारत खड़ी कर दी। 1908 में बनारस में जन्मी सिद्धेश्वरी जी को अच्छे अच्छे गुरुओं से संगीत की शिक्षा मिली। सिद्धेश्वरी देवी महफिल में जब गाती तो वातावरण मंदिर का सा हो जाता।
नित्य नवीन उपज नवीन बोल बनाओ के साथ साथ एक ऐसी कलात्मकता कौंध जाती कि महफिल में बैठे उनके श्रोता अपने भौतिक अस्तित्व को भूल एक आध्यात्मिक परिवेश में विचरण करने लगते, एक दैविक जगत में चले जाते। संगीत का यह असर, यह जादू ही संसार की सारी हलचलों पर हावी है। आज भी हमारा भारतीय संगीत अपने सात स्वरों से जाने कितने बीमारों का उपचार कर रहा है, मन के मरीजों का भी, तन के मरीजों का भी। पूरब अंग की इस ठुमरी के बाद महफिल ने करवट बदली है पंजाब अंग की ठुमरी की ओर, और जो आवाज अब आपके सामने पेश है वो आवाज सदियों बाद भी अपने टक्कर की कोई दूसरी आवाज शायद ही पैदा कर सके। बिरहा की रात प्रस्तुत कर रहे थे बड़े गुलाम अली खान साहब। पंजाब के लोकगीतों की मिठास, स्वरों का लालित्य मध्य और तार सप्तक में समान रूप से आवाज की फेंक और दर्द भरी, सोज भरी, भावुकता भरी एक आवाज जिसका नाम था बड़े गुलाम अली खान साहब। अपनी आवाज की जादूगरी से बरसों तक महफिलों को सींचने वाले खान साहब गायक भी थे, रचनाकार भी थे। सबरंग उपनाम से गीतों के अमर रचयिता बड़े गुलाम अली खान साहब में शिंदे खां जैसे गुरु,
देवधर साहब जैसे मित्र, माननीय मुरारजी देसाई जैसे हितैषी, भाई बरकत अली और मुनव्वर अली जैसे पुत्र का प्यार था। जीवन में उन्होंने खूब पाया और जीवन में सबको खूब दिया, सबका सबको सब रंग। भाव माधुरी ठुमरी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आप सुन रहे थे। इसे पेश कर रही थीं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर श्रीमती अनीता सेन। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली,